हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। और आज हम बात कर रहे हैं एक नए सर्कुलर की, और वो सर्कुलर क्या है, वो सर्कुलर है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और वो भी 10 अलग अलग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने सीबीएसई के साइट पे, वहां चलते हैं और सीबीएसई के साइट पे जाके उस सर्कुलर को ढूंढते हैं कि आखिर वो सर्कुलर मिलेगा कहां। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे देखिए सीबीएसई का साइट दिखाई दे रहा होगा, cbsegov.in मैंने खोल रखा है। और इस सीबीएसई के साइट पे मैं आ जाता हूं बोर्ड सर्कुलर्स वाले ऑप्शन पे। जब आप बोर्ड सर्कुलर्स पे आएंगे तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं एकेडमिक यूनिट सर्कुलर। एकेडमिक यूनिट सर्कुलर के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एकेडमिक सर्कुलर आर्काइव खुला हुआ है, और यहां पे 2021 एकेडमिक सर्कुलर करंट ईयर को मैं ओपन करता हूं। और जब मैं इसको करंट ईयर को ओपन करूंगा तो यहां पे फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन साइबर सिक्योरिटी का हमें पेज मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सर्कुलर है क्या और इस सर्कुलर में क्या दिया हुआ है। July 7, 2021 के डेट में यह सर्कुलर निकाला गया था। एकेडमिक सर्कुलर है 52/2021 के नाम से, और यह सर्कुलर है सीबीएसई ट्रेनिंग 2021 To head off all affiliated school to CBSE. CBSE के सभी affiliated school के लिए ये represent head के लिए है। Free online training. Yes, ये totally free training है जिसके लिए आपको एक रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। और ये training काफी important topic के ऊपर है, और वो topic है cyber security. आज के डेट में चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम से बिलोंग करते हो या आप नॉन कंप्यूटर फील्ड के हो, बट आपका यूज कहीं ना कहीं कंप्यूटर से होता है। अभी अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप साइबर एक्टिविटी में हो। तो कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि आप कैसे अपने साइबर एक्टिविटी को सेफ कर सकते हो, कैसे अपने आप को आप बचा सकते हो, किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो इन सबके बारे में विस्तार से बताया जाएगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर टीचर वालों के लिए है, ये नॉन कंप्यूटर टीचर वालों के लिए भी है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप टीचर हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और आपको यह ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। देखिए जिसके साथ शुरू किया जा रहा है कि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। वेरियस डिजिटल गैजेट्स कनेक्टेड टू द इंटायर वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। हम बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं। वेरी सिंपल, आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन, वो आपका गैजेट है। लैपटॉप आपका गैजेट है, टैबलेट आपका गैजेट है। आप कई तरह की चीज को आप यूज करते हैं, सही तरह के सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करते हैं, आप डिजिटल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो एवरी थ्रेड ऑफ आवर लाइफ आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और कई तरह की समस्याएं भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं। जब आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हो तो आपके इंफॉर्मेशन बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहे होते हैं। आप सोचते हो आपने अमेजन पे शॉपिंग किया, जी नहीं, आपने जब अमेजन पे शॉपिंग किया तो आपकी ईमेल आईडी थी, आपका डिटेल था, वो डिटेल अमेजन के पास है जो अमेजन किसी और को दे सकता है। आप सोचते हो कि मैंने फेसबुक पे अकाउंट बनाया और यहां से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया, ये फेसबुक से इंफॉर्मेशन भी शेयर होगा। आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे अकाउंट बना रखे हैं और ये सभी अकाउंट के थ्रू आपके मोबाइल नंबर्स, आपके पर्सनल डिटेल सारे शेयर हो रहे होते हैं। आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो शेयर हो रही होती है, वो रिकॉर्ड हो रही होती है। तो आखिर कैसे अपने आप को हम बचाएं? Through the connected world, we can easily pass all information instantly, allowing us to work, collaboration, get desired information, personal, professional growth के लिए हमें इसकी जरूरत भी होती है। And over a period of time and with the impact of COVID-19, this is connected world, computer, smartphone devices have become a lifeline. ये सर्वाइवल बन चुका है। अब इसे आप विटामिन्स कह लीजिए या आप इसे ऑक्सीजन कह लीजिए। एज ए टीचर अगर आप हैं, आप अगर एक टीचर हैं, तो आपके लिए आज इंटरनेट, ये स्मार्टफोन, ये लैपटॉप आपका लाइफलाइन है, मतलब आपके लिए ऑक्सीजन है। इसके बिना अब आप नहीं सोच सकते हैं। आपकी क्लास ऑनलाइन है, आपको पढ़ाना ऑनलाइन है, आपको हर काम ऑनलाइन करना है आज के समय में इस कोविड के कारण। हाउएवर दिस नेटवर्क्स कनेक्शंस लीव आवर डिवाइसेस मोर वल्नरेबल टू डैमेज एंड आवर इंफ्रा वल्नरेबल टू थ्रेट। मतलब सिचुएशन है कि आपके डैमेज हो, आपके डिवाइस डैमेज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपके इंफॉर्मेशन को चोरी किए जा सकते हैं। हैकर्स, नेफेरियस कैरेक्टर्स कैन टनल एंड गेन एक्सेस टू योर इंफॉर्मेशन, और ये अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी हेल्प्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
तो बचने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? साइबर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इसके लिए जरूरी है कि आप सभी को साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को किया जाए। आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इसको सिक्योर कर सकते हो। इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टोरी टेलिंग एज अ पैडागॉजी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स टू द टीचर्स, नाउ द बोर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग अनदर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी पर सीबीएसई बोर्ड एक नया कोर्स लॉन्च किया है और यह कोर्स टोटली फ्री है। ध्यान रखना है, ये कोर्स टोटली फ्री है। द कोर्स कंसिस्ट ऑफ द वेबिनार, कोर्स मटेरियल एंड असेसमेंट बाय गूगल क्लासरूम। तीन चीज है यहां पे। आपको वेबिनार दी जाएगी, आपके लिए कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आपका एक असेसमेंट किया जाएगा। वेबिनार शैल बी कंडक्टेड इन 10 डिफरेंट लैंग्वेज। यस, 10 अलग अलग भाषाओं में वेबिनार को कंडक्ट किया जा रहा है ताकि कोर्स को हर कोई आसानी से समझ सके। दिस वेबिनार शैल बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन YouTube चैनल, और YouTube चैनल पे ये मिलेगा आपको, वेयर द एक्सपर्ट शैल बी शेयरिंग विथ यू द डिटेल्स ऑफ द कोर्स इन नुसेंस। मतलब आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि क्या है इस कोर्स के अंदर में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। प्लीज नोट, एज पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस लैंग्वेज, आप किसी भी वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द रेस्पेक्टिव लिंक। एक्सरवे के अंदर में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन। कोर्स मटेरियल और असेसमेंट जो है वो क्लासरूम में अवेलेबल होगा और लिंक फॉर क्लासरूम जो है साइबर सिक्योरिटी सीबीएसई blogspot.com पे ऊपर आपको मिलेगा। ये 15 जुलाई को मिलेगा, 15 जुलाई के बाद ये लिंक मिल जाएगा क्लासरूम का। क्लासरूम के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, ऑन अबव डोमेन शैल बी चेंज व्हेन योर कोहोर्ट इज फिल्ड, कोहोर्ट पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइज टू ज्वाइन ओनली कोहोर्ट एंड यूज द अवेलेबल करंट लिंक एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। आपकी जो अपनी सीबीएसई आईडी है, आपकी सीबीएसई शिक्षा वाली जो आईडी है, डिजिटल एडु वाली जो आईडी आपको एलोकेट की गई थी, आप उसके थ्रू ही इसे ज्वाइन करेंगे। सभी टीचर्स को स्कूल के माध्यम से सीबीएसई ने टीचर आईडी दे रखी है, यूनिक आईडी दे रखी है, इसको सीबीएसई डिजिटल आईडी कहते हैं, जिसके थ्रू ही आप इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई और आईडी यूज करोगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इन सारे काम को करने के बाद, वेबिनार, मटेरियल्स और असेसमेंट करने के बाद, आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के बाद असेसमेंट लिंक इन रेस्पेक्टिव क्लासरूम विल बी अवेलेबल फॉर द पार्टिसिपेंट्स। 2 अगस्त से 31 अगस्त के तक ये अवेलेबल रहेगा आपके लिए। पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइज टू फिल द असेसमेंट फ्रॉम द यूटमस्ट केयर, मतलब प्रॉपर फॉर्म भरना है ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मिल जाए। नेम एंड ईमेल आईडी को ध्यान से देखना है, 2 बार चेक कर लीजिए। पार्टिसिपेंट्स कैन डाउनलोड देयर सर्टिफिकेट, 6 सितंबर के बाद आप अपने डाउनलोड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मटेरियल, कोर्स मटेरियल असेसमेंट्स विल बी इन इंग्लिश। देखिए, ट्रेनिंग जो वेबिनार है वो तो 10 लैंग्वेज में होगा, बट मटेरियल्स आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमल एडवाइस, प्रिंसिपल एंड टीचर्स आर अफिलिएटेड टू द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स एज पर द शेड्यूल। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप यहां पे भेज सकते हैं। एनेक्सर एक के अंदर आते हैं, देखते हैं आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले यहां पे वॉज द वेबिनार इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, टाइम दिया हुआ है 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई का डेट हो गया और टाइम ऑफ वेबिनार 3 to 4 PM है, यानी कि 3 to 4 PM है। YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, अलग अलग लिंक आप यहां पे देख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दिस वेबिनार्स आर ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, किसी तरह के फी की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना है। कंटेंट ऑफ ऑल वेबिनार्स विल बी द सेम, ओनली द लैंग्वेज आर गेट चेंज, तो आप अपनी भाषा में उसे देख सकते हैं, कंटेंट आपको वही मिलेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिमांड। अगर और कोई लैंग्वेज में वेबिनार चाहिए तो सीबीएसई ये भी प्रोवाइड कर देगी अगर आपकी डिमांड होती है तो। अब आपको क्लासरूम कोड कैसे लेना है, लिंक ऑफ क्लासरूम कोड इज अवेलेबल ऑन दिस साइट आफ्टर 15 जुलाई, यहां पे आना है, यहां पे आपको कोड मिल जाएगा, यहां पे सीबीएसई शिक्षा वाली आईडी से आपको क्लासरूम में एंट्री करनी है। जब आप क्लासरूम में एंटर कर जाएंगे तो एंटर करने के बाद अगर आपने किसी और ईमेल आईडी को यूज किया तो आपको वह अलाउ नहीं करेगा। यहां पे आपको कोर्स मटेरियल मिलेगा क्लासरूम के अंदर में, प्लीज क्लिक ऑन द क्लासवर्क। क्लासवर्क ऑप्शंस पे जब आप जाते हैं तो यहां पे देखिए, यह क्लासवर्क आपको दिख रहा होगा, आपको यहां पे कंटेंट दिखेगा, जो आप कंटेंट आप यूनिट वाइज अवेलेबल है और यूज एट पर द गिवन डायरेक्शन इन द वेबिनार। उसके बाद आपके पास आ जाता है असेसमेंट का स्टेप, तो असेसमेंट का लिंक 2 अगस्त से अवेलेबल होगा, 10 बजे, 2 अगस्त 10 बजे से लेकर 31 अगस्त के 4 बजे संध्या तक अवेलेबल है, तो आप यहां से असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट आपको असेसमेंट करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लॉगिन आप सीबीएसई डिजिटल एडु वाली आईडी से ही करेंगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉपर सेशन कंटेंट नहीं कर सकते हैं।
आप जब कभी फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम अपनी ई में अपना नाम, अपने डिटेल्स को प्रॉपरली भरिएगा सो दैट आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल सके। अगर किसी और आईडी से आप लॉग इन करते हैं तो आपको परमिशंस की जरूरत होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सर्कुलर है आप सभी के लिए और काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी में, वो भी 10 अलग अलग भाषाओं में, तो ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।